कहाँ से वीडियो दिख रहे हो मुझे नहीं पता, पर आप बताओ वहाँ मौसम कैसा है। देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। चलेंगे बाहर की तरफ। ये आम वीडियो है। ये टोटल अमाउंट देखो इनका आ रहा है, बहुत मुश्किल है। आपका 2 से 3 महीना बहुत स्ट्रगल रहेगा, लगेगा अरे भाग चलो। पर डेली व्लॉग कंटिन्यू करने के हिसाब से ना सैटरडे संडे पे मैं चला जाता हूँ गुड़गांव की तरफ, या फिर जहाँ भी हमारी राइड होती है उस तरफ चले जाते हैं। कहाँ से वीडियो दिख रहे मुझे नहीं पता, पर आप बताओ वहाँ मौसम कैसा है। मैं अपने इधर का आपको मौसम दिखाता हूँ कि अभी कैसा दिख रहा है। देखो बाहर लेके चलते हैं। आप बताओ देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। चलेंगे बाहर की तरफ। चलो बाहर चलते हैं, बिल्डिंग से ही बाहर चल के दिखाता हूँ मैं। दिखाने के चक्कर में देखो मैं रोड तक आ गया हूँ, ठीक है। रोड से दिखा रहा हूँ, छाता लेकर के आया हूँ। और भयानक पानी गिर रहा है तेज मेट्रो के नीचे। देखो यहाँ पे ये सिर्फ लोग खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। और हम आए हैं बाहर आपको दिखाने के लिए। पानी तेज गिर रहा है अच्छा खासा, तो थोड़ा सा सामान लेना है मुझे। देखो पिछले महीने वाला भी दिखा। देखो भाई ये लाइट का, ये सब जो वीडियो होती है ये क्या होती है? हाँ। ये आम वीडियो है। अच्छा इन लोगों के कमरे में भाई साहब के जो लाइट का बिल आता है वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। मैं समझा देता हूँ कैसे है। इसमें देखो लाइट का बिल है 900, मेंटेनेंस चार्ज 300 रुपए, 8500 जुलाई में रेंट था इनका 8500, और उसके बाद 765 ये पानी का है। 500 लीटर टंकी हफ्ते हफ्ते भरते हैं, जितनी बार भरेगी उसको कैलकुलेट करके पानी का बिल लिख देते हैं। तो टोटल आया आपका ये 10,465 रुपए, ठीक है, जुलाई का। आप देखो अगस्त का, अगस्त लिखे है पर पेमेंट आपको अगस्त के पहले करनी है, इसलिए अगस्त लिखे है, ठीक है। अगस्त में 5 तारीख बताए, प्लीज़ पे द अमाउंट बाई 5th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। बाई है, बिफोर है, बाई लिखा है, ठीक है, 5 तारीख तक दे दीजिए। इसमें देखो यहाँ पे ये रूम नंबर है, प्रीवियस रीडिंग इसमें लिखी है, लाइट कंज्यूम यूनिट कंज्यूम इसमें 354 है, और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिसिटी 3,540 रुपये की, 300 मेंटेनेंस, 9,500 रुपये रेंट बढ़ा दिया, 810 रुपये आपका पानी का है, जितनी बार टंकी हफ्ते में 200 रुपये के हिसाब से जो पे करना है वो। और ये टोटल अमाउंट देखो इनका आ रहा है, बहुत मुश्किल। कैसा लग रहा है आपको आ करके सर, घर से यहाँ पर रह करके 15-20 दिन हो गया आपको? अभी तो ठीक लग रहा है। अच्छा कुछ कहना चाहेंगे आप जो बाहर आने का प्लान कर रहे हैं उनको? भाई बाहर आना है, स्ट्रगल के लिए तैयार रहें आप। हाँ। पहले आपका 2 से 3 महीना बहुत स्ट्रगल रहेगा, लगेगा अरे भाग चलो घर, लेकिन आपने वो संघर्ष कर लिया उसके बाद मौज सक्सेस, उसके बाद मौज आ जाएगी। तो भाई तुम बता दो कैसे क्या हो रहा है, लाइट का बिल इतना ज्यादा है कि धीरज भाई का थोड़ा दिमाग गर्म सा हो गया है। लाइट बंद करो, पंखा बंद करो, कुछ नहीं चलेगा, सब लाइट बंद रहेगी यहाँ पर, ना एसी चलेगा ना कुछ होगा भाई, देख लो। शनिवार ही निर्धारित किया जाता है कि साफ सफाई उस दिन होगी, डेडिकेटेड रहता है साफ सफाई के लिए शनिवार ना धीरज। गंदवाता भी है ये ना। देखिए ये सब करना पड़ेगा आपको। ये तो बस बालकनी सफाई कर रहे हैं, अभी बाथरूम भी साफ करना पड़ेगा, बेसिंग भी साफ करनी पड़ेगी, बर्तन झाड़ू पोछा सब। आज भाई साहब झाड़ू वाड़ू लगाए इन्होंने, थोड़ा साफ सुथरा सा कमरा दिख रहा है। और शनिवार है तो शनिवार वीकेंड पे थोड़ा टहलना घूमना हमारा ज़्यादा रहता है, तो हम वीकेंड पे फिर से यहाँ आ गए हैं। और भाई साहब साफ सफाई करते हुए अपने, भाई कैसे लग रहा भाई, आनंद आ रहा आपको? एकदम आनंद आ रहा है। देखिए कैसे इतना ध्यान से घर वाले देख लेना तो आंसू आ जाएगी, हाथ डाल डाल के नाली में साफ करा हमारे लड़के ने। ये रात के 2 बजे का सीन देखो, गाना चल रहा है। मामला इधर चालू है, देख लो चाय बन रही है, रात के 2 बजे में टाइम दिखा देता हूँ। टाइम दिखाना देखो बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं टाइम दिखा रहा था।
लगाएगी। चाय बन रही है 2:30 बजे वाली, देख लो भाई। चाय करना था रात वाले 2 बजे नहीं है, रात वाले, ठीक है। आइए 2 बजे वाली चाय है, देखो रात के 2 बजे वाली। 2 बज के कितने मिनट हो गए? 2:30 बज गए। लगभग 2:30 बज गए। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर? आपको कितने दिन हो गए बताना चाहेंगे? मुझे आए यहाँ पे 20 डेज हो गए हैं। 20 दिन पूरे हो गए? 20 डेज पूरे हो गए। कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है कि कुछ कम ज्यादा लग रहा है? नहीं आनंद, अभी तो फिलहाल तो आनंद है। पहली सैलरी आने के बाद ज्यादा आनंद आया? आनंद आएगा। अभी सैलरी नहीं आई, वेट किया जा रहा है, 6-7 तारीख को आ जाएगी, फिर उसके बाद आनंद आपको प्रॉपर समझ में आने लगेगा। तब तक लेट्स हैव टी टुगेदर। Yeah.